आरएफक्यू क्या होता है? आरएफक्यू मींस रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। पिछले वीडियो में हमने सीखा कि परचेज रिक्वेशन क्या होता है, तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आरएफक्यू क्या होता है। परचेज रिक्वेशन मतलब किसी भी एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को कुछ चीज़ें लगने वाली है। यदि मैं मान लेता हूँ कि एक कंप्यूटर इंजीनियर कंपनी में अगर आईटी इंजीनियर काम करता है तो उसे लैपटॉप की रिक्वायरमेंट है, तो क्या करेगा वो सिंपली रिक्वेशन पुटअप करेगा और आगे भेजेगा। वो रिक्वायरमेंट किन को आएगी? वो परचेसर को आएगी। जो भी परचेस डिपार्टमेंट में काम करेगा उनको वो रिक्वायरमेंट आएगी। तो अभी क्या होगा, अभी परचेस डिपार्टमेंट के पास जो रिक्वायरमेंट आई तो परचेस डिपार्टमेंट क्या करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे देख रहे होंगे रिक्वायरमेंट कौन सी रिक्वायरमेंट आई है। रिक्वायरमेंट आई है लैपटॉप की, कितनी क्वांटिटी चाहिए उनको? दो। और क्या स्पेसिफिकेशन दिया है? i3 1TB 500GB SSD, ये रिक्वायरमेंट है। तो अभी परचेस डिपार्टमेंट क्या करेगा, वो वेंडर वन, वेंडर टू, वेंडर थ्री, ऐसे थ्री वेंडर्स फाइंड आउट करेगा। उसके बाद में उनको वो जो रिक्वायरमेंट है वो ड्रॉप करेगा, किसके थ्रू? या तो मेल, या तो मैसेज, और ए टेलीफोनिक। एक बार उनसे भेजने के बाद उनको टाइमलाइन बताएगा कि मुझे 2 दिन के अंदर चाहिए तो आप दे सकते हो क्या। तो वो कंफर्म करने के बाद फिर एक बार 2 दिन के अंदर सब कोटेशन आपके पास आ जाते हैं। तो किसी का रेट 18,500 रहेगा, किसी का 20,500, किसी का 25,500। तो इसमें हम कौन सा सिलेक्ट करेंगे? ये रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, ये रेट आएगा, मेक सेम आएगा। तो अभी ये आने के इसको कहते हैं रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। आप मेल ड्रॉप करेंगे और रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन के लिए रेट आएगा। तो अभी फिर इसमें टी कोड्स होता है, कौन सा होता है? रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन के लिए क्रिएट करना होता है। तो YUMI41 ये जो है ये रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन का टी कोड है, ये हमको यूज़ करना होगा। जब भी हम अभी क्रिएट करेंगे, हम स्क्रीन के ऊपर जाएंगे तो हमें वो दिखाई देगा, ठीक है। तो हम अभी अब स्क्रीन के ऊपर चलेंगे। उससे पहले लेकिन आपको कुछ ये दिखाना होगा, मैं दिखा देता हूँ कि पिछली बार जो हमने कंपनीज क्रिएट की थी उसके अंदर हमने ये कंपनी पूरा क्रिएट किया हुआ है, उसके अंदर ये परचेस रिक्वेशन कल हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे ड्रॉप ऑफ किया है। ये पार्ट PR फॉर मटेरियल, ये मटेरियल कौन सा है? MS प्लेट फॉर डैम्पर। तो ये मटेरियल है और इसका रिक्वेशन नंबर क्या है? 500000030। ये अंडर के परचेस रिक्वेशन क्रिएट किया है। तो ये यूज करेंगे कोड, ये परचेस रिक्वेशन यहाँ पे एंटर करते हैं YUMI41 और सिंपली एंटर। एंटर होने के बाद में यहाँ पे RFQ टाइप जो है वो स्टैंडर्ड है, AN सिलेक्ट करना है एज इट इज़। उसके बाद में आपको पूछेगा लैंग्वेज की, यहाँ पे लैंग्वेज इंग्लिश सिलेक्ट रहने देना है एज इट इज़। उसके बाद में RFQ डेट, अभी RFQ डेट क्या है यहाँ पे 30/05/2020 मतलब 30 मई, ठीक है, आज की डेट। उस कोटेशन डेडलाइन, कोटेशन डेडलाइन कब तक चाहिए आपको? ये 1/10/06/2020, ठीक है, 10 जून तक मुझे चाहिए। उसके बाद में परचेस ऑर्गेनाइजेशन 1355 जो भी मेरा है, अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे सर्च करके उसको सिंपली सिलेक्ट करना है। परचेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, परचेसिंग ग्रुप के अंदर कौन कौन लोग रहते हैं मतलब देख सकते हैं आप यहाँ। अभी मेरा मान लीजिए मेरा नाम प्रसाद है तो मेरा नाम यहाँ पे आएगा रजिस्टर करके, और सिंपली आपको वो सिलेक्ट करना होगा। और यहाँ पे नंबर अगर आपको परचेस ऑर्गेनाइजेशन का नंबर भी देखना होगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, परचेस ऑर्गेनाइजेशन जितने भी बने हुए हैं वो आ सकते हैं। तो वो सिंपली आपको सिलेक्ट करना है और आपके यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको पूछेगा यहाँ पे डिलीवरी डेट, डिलीवरी डेट कब तक चाहिए? तो अभी मैं मान लीजिए मुझे ये 15/6 तक चाहिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे प्लांट पूछेगा तो 1359 ये मेरा प्लांट के अंदर मुझे चाहिए, तो सिंपली। उसके बाद में स्टोरेज लोकेशन पूछेगा तो आप ये भी सिंपली एंटर कर सकते हैं,
इसका कोई मैंडेटरी मतलब है नहीं, लेकिन आप जरूरत के लिए डाल सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली क्या करना होगा आपको, स्टोरेज लोकेशन में सिंपली 1358 प्रेस करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद में मैं रेफरेंस टू परचेस रिक्वेशन करता हूँ और यहाँ पे नंबर परचेस रिक्वेशन का 31 लेता हूँ, ठीक है। ये जो हमने क्रिएट किया था, हमने कल 30 किया था क्रिएट, उसके बाद में मैंने 31 क्रिएट किया था, दो ऐसे क्रिएट करे, उसमें से मैं 31 लेता हूँ और सिंपली यहाँ पे आने के बाद में कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद में आप ये दूसरे वाले विंडो के ओपन आ जाएंगे। यहाँ पे ये मतलब कलेक्टिव नंबर ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई भी वेंडर अगर आपको कोटेशन देगा, यदि एक लैपटॉप के लिए 3 कोटेशन आएंगे तो आप उसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे। फर्स्ट थिंग आपको है कि ए बी सी ऐसे 3 वेंडर आपको ये कलेक्टिव नंबर से डिफाइन होगा, क्योंकि SAP में बहुत सारे डेटा रहता है, तो इतना सारा डेटा आप कॉन्फिगर नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए आप कलेक्टिव नंबर ध्यान में रखिए और वो हिसाब से आप काम करें। तो यह भी यहाँ पे मैं 5 नंबर्स ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये 5 नंबर्स होने के बाद में सिंपली मैं क्या करता हूँ, एंटर करता हूँ। एंटर होने के बाद में ये पूछेगा एस लॉक, यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अभी यहाँ पे आप डायरेक्ट देख सकते हैं, ये प्लांट है और यहाँ पे स्टोरेज लोकेशन। अभी स्टोरेज लोकेशन मुझे कहाँ चाहिए, 1358 जो मेरा है, 1358 ये मेरा रॉ मटेरियल स्टोरेज का लोकेशन है। यहाँ पे सिंपली उसको एंटर करना होगा और सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे मैं इसको लाइन को और एडॉप्ट फॉर डिटेल्स करूँगा, एडॉप्ट एंड डिटेल्स ये भी कर सकता हूँ। उसके बाद में आप एड्रेस भी डाल सकते हैं, एडॉप्ट एंड डिटेल्स करेंगे तो यहाँ पे आप फिर हेडर पे जाएंगे, हेडर वेंडर एड्रेस, वेंडर एड्रेस के ऊपर आएंगे तो आप वेंडर सिलेक्ट करेंगे। वेंडर सिलेक्ट करना होगा आपको यहाँ पे सिंपली, तो आपको वेंडर पहले नंबर मालूम चाहिए, तो यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है। तो अभी ही ये वेंडर हमारे परचेस ऑर्गेनाइजेशन में पहले से है, 10015, ठीक है। ये वेंडर हम लेते हैं 115, ठीक है। तो जैसे भी स्क्रीन के ऊपर आने के बाद में यहाँ पे मैं 115 एंटर करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे पूरी डेटा आ चुका है जो कंपनी का वेंडर है। और मैं सिंपली क्या करूँगा, इसको आने के बाद में सेव करूँगा। सेव होने के बाद नो मैसेज रिकॉर्ड कुड बी फाउंड आउटपुट, सेव एनीवे करने का आपके यहाँ पे और इस करने का आपको नंबर मिल चुका है। ये नंबर आपको नोट डाउन कर लेना है, तो आप पहले नोट डाउन कर लीजिए नंबर। ये हमारा एक वेंडर हो गया, अभी हमको दूसरा वेंडर चाहिए, तो आपको सिंपली क्या करना होगा, फिर से आपको वेंडर का ये नाम एड्रेस ये नंबर चाहिए आपको, फिर अनदर वेंडर। तो फिर मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे आने के बाद में उसको पेस्ट करूँगा, ये दूसरा नंबर है और यहाँ पे मैं सिंपली एंटर करूँगा। यहाँ पे एंटर होने के बाद में सिंपली मैं इसको सेव करूँगा। फिर से पूछेगा नो मैसेज रिकॉर्ड कुड बी फाउंड आउटपुट मैसेज, कुछ भी मतलब ये नहीं है, सब ओके है। यहाँ पे आपको सेव करना है, तो ये आएगा दूसरा नंबर 15115, ठीक है। ये नंबर आने के बाद ये भी नोट डाउन कर लीजिए, ये दो नंबर हम कंसिडर करेंगे, दो कोटेशन, ठीक है। तो ये हिसाब से हमने क्रिएट किया है RFQ। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि RFQ के बाद में हम किस तरह से वो RFQ के कोटेशन को मेंटेन करते हैं। तो अगले वीडियो में देखेंगे कि कोटेशन को कैसे मेंटेन। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करो। थैंक यू।